दोस्तों, जिन पतियों को कानून की नॉलेज होती है उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दे रखा है जो हमेशा मान्य होगा, यानी कि पत्नी और पुलिस कुछ भी पति का नहीं बिगाड़ सकती है, कभी भी नहीं बिगाड़ सकती है, आज भी नहीं बिगाड़ सकती है तो भविष्य के अंदर भी नहीं बिगाड़ सकती है। पति बिल्कुल आज़ाद है और आज़ाद रह सकते हैं। अगर पत्नी झूठा दहेज का केस करती है, पत्नी को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का पावरफुल जजमेंट कौन सा है, इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि ये जजमेंट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोगों को पता भी है, नहीं पता है, तो इसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। पर अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, अब से पहले भी जिन पतियों को इस कानून की जानकारी नहीं थी, इस जजमेंट की जानकारी नहीं थी, और आज भी जिन पतियों को इस जजमेंट की जानकारी नहीं है और भविष्य के अंदर में नहीं होने वाली है, तो उनको बिल्कुल पत्नी की प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा, पुलिस की प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे उनके ऊपर जब भी 498 का केस होगा, यानी कि 1 जुलाई से पहले अगर 498 का केस होता है, क्योंकि 1 जुलाई के बाद में तो ये सेक्शन पूरी तरह से बदल रहा है, नया कानून आ रहा है, फिर भी पत्नी नए कानून के अंदर भी ये दहेज की प्रताड़ना का जो भी मैटर है, सारा मैटर लिखवा के झूठा केस फाइल कर सकती है, यानी कि नए कानून के अंदर भी पत्नी इस लॉ का मिसयूज कर सकती है। तो यहाँ पे कभी भी पति को अब नहीं डरना पड़ेगा, और पुलिस की और पत्नी की प्रताड़ना का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये बार बार मैं इस जानकारी को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसी वजह से अब ठगाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और आपके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो जाती है। तो ये सब अब आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। आप भी एक बुलंद आवाज़ वहाँ पर रख सकते हैं कि यहाँ पे ये कानून है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल रखी है कि आप मेरे को हरासमेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं, मेरे साथ में आप गलत नहीं कर सकते हैं, मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भी एक कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अब से पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर कर रखा था, और अभी ये क्लियर कर रखा है कि जिन मामलों के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो उन मामलों के अंदर पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर विशेष अति आवश्यक सिचुएशन है तभी मजिस्ट्रेट की परमिशन से गिरफ्तार किया जा सकता है। नॉर्मल मामलों के अंदर कोई भी गिरफ्तार किसी भी लेवल के ऊपर नहीं होने वाली है। तो ऐसे मामले के अंदर पति को क्या करना है, पुलिस की हेल्प करनी है। जब भी पति के ऊपर केस दर्ज होता है जिन मामलों के अंदर 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, तो पुलिस क्या करेगी, पति के पास में नोटिस भेजेगी। तो पति को क्या करना है, पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करती है, जो भी पूछताछ करती है, तो पुलिस की हेल्प करनी है, पुलिस की मदद करनी है। पुलिस को बताना है कि ये घटना ऐसी ऐसी है, ये झूठा मामला है, इसके अंदर हमने पत्नी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है, यानी कि जो भी रियलिटी है वो आप बता दीजिए। तो ऐसा पुलिस आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकती है, आपको बिना वजह गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस जजमेंट के अंदर हवाला दिया है, पुलिस को डायरेक्शन दिया है, और यहाँ पे पुलिस इस लॉ का, इस जजमेंट का मिसयूज बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अगर पुलिस ऐसा करती है तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, और पत्नी अगर बार बार पुलिस को बोलती है तो पत्नी के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो जिन पतियों को इस जजमेंट की नॉलेज थी, वो पहले भी फायदा उठा रहे थे, अब भी फायदा उठा रहे हैं, और भविष्य के अंदर नए कानून के अंदर भी ये जजमेंट का फायदा मिलने वाला है, यानी कि नए कानून लागू होने पे भी इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं, तब भी आपको इस जजमेंट का पूरा फायदा मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि ये जजमेंट कौन सा है। तो ये जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का, और इस जजमेंट की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इस जजमेंट का मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक को आप क्लिक करके अच्छे से इस जजमेंट को रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, और भी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइज यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान आप मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।